हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो क्या हाल है यार। तो दोस्तों पहली न्यूज़ है एमसी स्टैन की तरफ से आ रही है। तो दोस्तों एमसी स्टैन ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली अपने सॉन्ग से रिलेटेड। तो यार वो एफएल स्टूडियो में अपना वर्क कर रहे हैं यार उनके सॉन्ग से रिलेटेड। तो उन्होंने लिखा है यार आउट सून। तो यार एमसी स्टैन का बहुत ही जल्दी सॉन्ग आने वाला है और मुझे जहाँ तक की आशंका लग रही है कि यार इसी सितंबर में ये सॉन्ग आउट हो सकता है, क्योंकि यार बहुत दिन हो गए एमसी स्टैन का कोई सा सॉन्ग नहीं आया और आउट सून लिखा है और ऑलमोस्ट गाना रेडी लग रहा है, तो इस महीने आउट हो सकता है। तो अगली न्यूज़ जो है यार वो इक्का की तरफ से आ रही है। तो दोस्तों मैंने लास्ट के एक वीडियो में कवर करा था कि इक्का का बहुत जल्दी सॉन्ग आने वाला है यार अखिल के साथ में। तो यार दोस्तों वो सॉन्ग की रिलीजिंग डेट पता चल चुकी है। तो दोस्तों वो 17 सितंबर को आउट होने वाला है गाना। तो देखते हैं यार कैसा होगा गाना, मैं आप लोग को ज़रूर बता दूंगा, गाने का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा। तो अगली न्यूज़ यार सात बंटाइस की तरफ से आ रही है। तो दोस्तों सात बंटाइस का बहुत ही जल्दी गाना आने वाला है और बहुत दिनों बाद आ रहा है यार सात बंटाइस का कोई सा सॉन्ग, क्योंकि यार अभी आया था 15 अगस्त पर वो ओकेजनली सॉन्ग था, पर वो जो हार्ड कोर रैप सॉन्ग एक्सपेक्ट करते हैं लोग सात बंटाइस से, तो यार वो आने वाला है बहुत जल्दी। गाने का जो नेम है वो है किताब और अभी तक इसकी कोई रिलीजिंग डेट नहीं पता चली है, पर प्रमोशन जोरों शोरों पर चालू है। तो यार बहुत जल्दी आउट हो जाएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा, क्योंकि इसकी रिलीजिंग डेट शायद नहीं पता चलेगी, पर अगर पता चलती है तो मैं आप लोग को ज़रूर बता दूंगा। तो अगली न्यूज़ यार एक नए आर्टिस्ट की तरफ से आ रही है। तो आर्टिस्ट का जो नेम है वो है मेरा नाम बीबी और उनका बहुत जल्दी गाना आने वाला है कर्मा नाम से, और वो जो गाना आएगा वो फैब एंटरटेनमेंट रिकॉर्ड लेबल पर आएगा। और जहाँ तक मुझे पता है कि ये जो रिकॉर्ड लेबल है वो इक्का का है और इस लेबल पर सिर्फ इक्का के गाने आते हैं और लिल जी के आते हैं, यानी कि लिल गोलू के। तो मुझे ये लग रहा है कि इक्का ने नए आर्टिस्ट साइन करें तो ये वही है, क्योंकि फैब एंटरटेनमेंट पे कोई गाने नहीं आते यार इक्का और गोलू के अलावा। तो एक नया आर्टिस्ट आ रहा है और आरएस चौहान भी है, तो देखते हैं यार कब तक ये गाना आउट होगा। तो अगली न्यूज़ यार एडी नागर की तरफ से आ रही है। तो दोस्तों एडी नागर का शो होने वाला है यार 13 सितंबर को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लुधियाना में। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और लुधियाना से हो तो ज़रूर जाना यार, एडी नागर का शो है और इनके साथ में बहुत सारे पंजाबी आर्टिस्ट भी होने वाले हैं, जैसे कि सिंगा, 3-4 और आर्टिस्ट है, फाजलपुरिया भी है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो जाओ, ये शो जो है वो आहो म्यूजिक ऑर्गेनाइज करवा रहा है और एडी नागर के बहुत कम शोज होते हैं, तो ज़रूर अटेंड करना यार जो भी लुधियाना से हो। तो बस दोस्तों आज के लिए इतनी न्यूज़ थी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, और आपके कोई भी यार रैप सॉन्ग्स है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो और लिंक ज़रूर डाल देना, मैं अपने वीडियोज़ में प्रमोट कर दूंगा उनको। और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको भी प्रेस कर दो, पड़ोस में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।